नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। और यह उत्तर प्रदेश, आजकल पत्रकारों के ऊपर जानलेवा हमला करना, उनका उत्पीड़न करना और हत्या करना आम बात हो गई है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में पत्रकार दिलीप सैनी की हत्या पर ऑल इंडिया पत्रकार एकता सहायता ट्रस्ट प्रदेश मीडिया सलाहकार सोमपाल गौतम ने सभी पत्रकारों के साथ मिलकर कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित एकत्रित हुए, जहां पत्रकारों ने जिलाधिकारी से मिले और राष्ट्रपति महामहिम संबोधित कर जिलाधिकारी औरैया को इंद्रमणि त्रिपाठी को ज्ञापन दिया गया। मामला फतेहपुर के साथ ही दिलीप सैनी की निर्मम हत्या का। फतेहपुर के पत्रकार दिलीप सैनी की गत दिवस गोली मारने के साथ ही चापड़ एवं चाकू से गोद कर निर्मम हत्या का मामला तूल पकड़ रहा है। इस दौरान ऑल इंडिया पत्रकार एकता सहायता ट्रस्ट के प्रदेश प्रवक्ता योगेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि दिलीप सैनी के हत्यारों को तत्काल गिरफ्तार करके कड़ी सजा दिलाई जाए। पत्रकार के पीड़ित परिवार को 10 लाख का मुआवजा दिया जाए। परिवार के किसी एक जिम्मेदार को सरकारी नौकरी दी जाए, जिससे सभी पत्रकार साथी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जितेंद्र कुमार, राष्ट्रीय सह प्रभारी जितेंद्र कुमार, एडवोकेट प्रदेश प्रवक्ता योगेंद्र प्रताप सिंह, प्रदेश मीडिया सलाहकार सोमपाल गौतम, महिला बिंदु जिला अध्यक्ष खुशबू चौधरी, जूली भारती, राघवेंद्र गौतम, सुभाष चंद्र राणा, अजय कुमार गौतम एकजुट होकर मौजूद रहे। ऑल इंडिया पत्रकार एकता सहायता ट्रस्ट के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित माननीय जिला अधिकारी औरैया के द्वारा दिया गया, जिसमें पत्रकार दिलीप सैनी की निर्मम हत्या चाकू गोद के कर गई, उसी के संबंध में महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन दिया गया। क्या मांगे हैं? पत्रकार सुरक्षा कानून लागू और पत्रकार के जो हत्यारे हैं उनको कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, उन्हें न्याय दिलाया जाए। पीड़ित पत्रकार के परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाए और उन्हें 10 लाख रुपए का मुआवजा राशि दी जाए। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।